आपको बताते हैं इस पर मज़ीद जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं हमारे ख़ास मेहमान पॉलिटिकल एनालिसिस एजाज़ मोहम्मद एजाज़ और हमारे नुमाइंदे जुनैद गुलजार। जुनैद गुलजार, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि सियासी माहौल कैसा है वादी कश्मीर में। महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ में इत्तेहाद की बातों के लिए बोल रही हैं, किस तरह का माहौल है ज़मीनी सतह पर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले कांग्रेस के सदस्य राहुल गांधी वादी कश्मीर के साथ साथ जो है जम्मू का भी दौरा कर रहे थे, और उसमें ये सभी पार्टियों से मीटिंग करके और सभी पार्टियों से देखा गया था कि हम जो है अलायंस करेंगे। अभी जो है फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस तक ही बात महदूद है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीट शेयरिंग तक अभी जो है बात ये सामने आ रही है कि अभी सीट शेयरिंग को लेकर लड़ाई चल रही है, चर्चा चल रही है। अभी अलायंस का कोई भी जो है ऑफिशियल वर्जन सामने नहीं आया। हालांकि कल जो महबूबा मुफ्ती पार्टी प्रेसिडेंट पीडीपी ने कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि हमने जो मैनिफेस्टो में जितने भी बातें रखी है हमने, अगर वो जो है दूसरी पार्टी एनसी या फिर कांग्रेस स्वीकार करेंगे तो हम उनसे भी अलायंस करने के लिए तैयार है, या हम उनको ही लड़ने के लिए देंगे, हम उनको ही सीट शेयरिंग देंगे। हम जो है कोई भी सीट पे जो है कोई भी या फिर किसी भी सीट पे हम अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। अगर ये इन मुद्दों पे जो है ये बाकी पार्टियां जो हमने मैनिफेस्टो में लाई है उन पे जो एग्री करेंगी तो, लेकिन जाहिर सी बात है पिछले एक दो दिनों से लगातार जो है सीट शेयरिंग को कांग्रेस और एनसी के दरमियान सीट शेयर को लेकर लगातार चर्चा जा रही है। अभी फिलहाल ऑफिशियल वर्जन इस तरह का सामने नहीं आएगा कि किस किस सीट पे जो है कांग्रेस उम्मीदवार उतारेंगे या फिर नेशनल उतारेंगे, अभी इस तरह का ऑफिशियल जो है वर्जन सामने नहीं है, और सीट शेयरिंग को लगातार चर्चा चल रही है। जी जुनैद, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों ही 370 को लेकर जोर दे रही हैं इस मुद्दे पर, तो जनता के बीच में ये मुद्दा कैसा है?